मुल्तानी मिट्टी खाने से एनीमिया हो जाता है, उससे आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी खाने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसे क्यों नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मुल्तानी मिट्टी खाने के लिए नहीं होती है, चेहरे पर लगाने के लिए होती है। वैसे में आप उस मुल्तानी मिट्टी को खाने लगोगे तो क्या होगा, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मुल्तानी मिट्टी खाने से इंसान एनीमिया का शिकार हो जाता है, शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसीलिए एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने से खून में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, इस वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। आपको खून की कमी है और आप मुल्तानी मिट्टी खाते हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी खाने से एनीमिया हो जाता है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स गंभीर बीमारियां हो जाती हैं आपको, जिसे पैका नामक की बीमारी होती है। उन्हें ये सब चीज़ें नॉन फूड आइटम्स खाने का मन करता है, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, चौक, स्लेट पेंसिल, कच्चे चावल, आइस और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो नॉन फूड आइटम्स होते हैं, वो खाने का मन करता है। बहुत सारे महिलाएं प्रेगनेंसी में मुल्तानी मिट्टी, स्लेट पेंसिल, चौक खाते हैं। उसे खाने से पेट में पल रहे बच्चे पर बहुत असर पड़ता है, इसीलिए मुल्तानी मिट्टी नहीं खाना चाहिए। लगातार मिट्टी खाने से आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है और पेट में दर्द रहेगा, भूख नहीं लगती है या फिर भूख कम हो जाती है, क्योंकि मिट्टी पानी में घुलती नहीं है और वो पेट में जाकर जम जाती है। धीरे धीरे उसके कंकर किडनी स्टोन में बदल जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी खाने से उसके बैक्टीरिया पेट में जाने से कीड़े हो जाते हैं, पेट में इससे इन्फेक्शन भी हो जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। मुल्तानी मिट्टी हो या फिर चाक हो या फिर स्लेट पेंसिल हो, खाने से आपको शरीर में सूजन भी आ सकती है। इसे खाने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम जानेंगे। आपका गला सूख सकता है, गले में खराश रहेगी, गले में छाले हो सकते हैं, गले का अल्सर हो सकता है, आपकी आवाज़ बदल सकती है, सूखी खांसी हो सकती है। जब तक आप पानी नहीं पियोगे तब तक गले में राहत नहीं मिलेगी। मुल्तानी मिट्टी खाने से आपके दांत ख़राब हो सकते हैं, दांत दर्द होने लगेंगे। मुल्तानी मिट्टी खाने से वो दांत में चिपकने लगेगी, क्योंकि वो मिट्टी है, इसीलिए दांत पीले पड़ जाएंगे। और हद से ज़्यादा खाने से दांत कमज़ोर होकर टूट भी सकते हैं। हमेशा दांत में दर्द रहेगा, कोई चीज़ आप सही से नहीं खा सकते हो। पानी की तलखी बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि शरीर का पानी पूरा मुल्तानी मिट्टी सोख लेती है। चाहे आप मुल्तानी मिट्टी खाएं या फिर चौक, स्लेट पेंसिल, जो नॉन फूड आइटम्स होते हैं उसे खाने से ऐसे ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हद से ज़्यादा खाने से पेट का अल्सर भी हो सकता है, सांस बहुत ज़्यादा आने लगेगी आपको, बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, आपको खाना भी खाने का मन नहीं करेगा, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी खाने का मन करते रहेगा, इसीलिए मुल्तानी मिट्टी नहीं खाना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी खाने से आपके चेहरे पे और आपके जिस्म पर वाइट धब्बे हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपके बाल भी झड़ सकते हैं और आपको बैक पेन होते रहेगा। ये सब सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो आप फौरी मुल्तानी मिट्टी खाना छोड़ दीजिएगा, वरना आपको आगे जाके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। आप इसे हद से ज़्यादा खाने लगोगे तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, पीरियड्स सही टाइम पे नहीं आने लगेंगे। जब आपके पीरियड्स सही टाइम पे नहीं आएंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस से और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस तरह से आप मुल्तानी मिट्टी खाते रहोगे तो एक से एक प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, इसीलिए आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। स्लेट पेंसिल हो या मुल्तानी मिट्टी हो, जो भी नॉन फूड आइटम्स खाएंगे उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, लिंक मैं कार्ड में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी हो या चौक हो, उन्हें खाने का मन करता है जिसके बॉडी में आयरन कैल्शियम की कमी हो जाती है, उन्हें खाने का मन करता है। आयरन कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपको फ्रूट्स लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, आपको जूसेस लेना चाहिए जो कि आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ा सके। वो सब चीज़ें लेने के बाद आपको ये सब चीज़ें छूट जाएंगी जो भी आप नॉन फूड आइटम्स खाते हो। जब आपके बॉडी में खून बढ़ जाएगा तब आपको ये सब चीज़ें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको मुल्तानी मिट्टी कभी नहीं खाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुल्तानी मिट्टी वो स्लेट पेंसिल कोई ना खाए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।